Studenten und Freunde, ich bin wirklich sehr froh, dass Sie wie immer so zahlreich gekommen sind. Und heute sprechen wir über TELC-Prüfung, TELC-Examen. Aber immer mehr Studenten interessieren sich für TELC. Früher war das eigentlich nicht so erhältlich und deshalb mussten alle, also hauptsächlich nur Goethe-Examen schreiben. Aber jetzt TELC ist auch da in Indien, in Agra und vielleicht auch an anderen Orten könnte man das vielleicht bald sehen. So, ja? Noida auch. Okay. Und jemand beginnt das auch bald an einem neuen Ort. So, wir sollten dann auch natürlich darauf vorbereiten. Einige Studenten und Freunde wollen uns helfen. Sie waren schon da und sie können auch mit uns teilen, wie schwer, wie einfach das ist. Aber vielleicht gibt es auch A2-Studenten oder einige A1-Studenten. Wir müssen nicht immer auf Deutsch reden heute. Wir können auch ein bisschen auf Hindi, auf Englisch, auf Deutsch. Das ist schon in Ordnung. Okay. Hindi mein, Englisch mein bhi baat kar sakte hain. Main cheez hai ki Goethe ke alawa, Goethe exam ke alawa, TELC ka concept kaisa hai? क्या तरीका है, कितना टफ है. सो जो लोग ऑनलाइन, जो भी फ्रेंड्स कभी भी टेल्क का किसी ने एग्जाम दिया है तो हैंड रेज करके हमको बता सकते हैं. वी वोलन आइडेंटली जेर गेन इरा अरफारुम ह्यूरन दस इज उन्स विस्टिश. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा. राहुल कुमावती शोन द हेडलेस विल कॉमन राहुल क्या सर या एरहार्ड गिराड द प्रूफिंग विस्टाकन. Und Devinder wollte auch vielleicht mitmachen. Ist er schon da oder noch nicht? Sir. Oh, ja. Er ist auch da. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ja, also wer würde dann einfach erzählen, wie schwierig ist das? TELC, ab mein se, jo bhi Goethe ki tiyari karne wala hai, usko agar pata chal jaye, कि टेल्क थोड़ा इजी है, अगर सपोज है तो ही बताना कि चक्कर में आ जाएं आपके हम. अगर है तो आपको जरूर बताना चाहिए. हाबन जी आउक शोन Goethe प्रूफिंग श्रीबन हेर कुमावत, क्या आपने ऑलरेडी Goethe का एग्जाम भी दिया था या सीधा टेल्क का दिया? सर सीधा टेल्क की. टेल्क की दिया. टेल्क क्यों दिया आपने? सब लोग तो दुनिया Goethe देती है, आपने टेल्क क्यों दिया? क्या आपको ऐसा बताया गया था, आपके टीचर ने ऐसा बताया था क्या कि टेल्क इजी पड़ेगा, या टीचर की आपने सुनी नहीं, आपने दोस्तों की सुनी जो शायद ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके थे? नहीं सर, वो अभी सर से बात की थी तो अभी सर ने बोला कि भाई टेल्क थोड़ा इजी पड़ता है. उसमें क्या है कि लेजन, योरन और श्राइबन की तीनों के मार्क्स कंबाइंड होके फिर 60% लाने पड़ते हैं अपने को, और Goethe में अपने को अलग अलग 60% लाने पड़ते हैं तीनों में. तो अगर अपने एक में किसी में भी अगर मार्क्स कम आए तो वो दूसरे से फिल हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, कंपनसेट हो जाता है. यस सर. तो हुआ आपके केस में ऐसे? नहीं सर, मेरे तो सर सभी में 60% से अबव है. सभी में 60 से अबव है. ओके, ठीक है. मतलब अगर इन केस कहीं गड़बड़ होती तो भरपाई का पूरी संभावना थी. यस सर. लेना चाहते थे आप? या आहा, ऑन 10 हार्ट डिक्लेयर्ड और काम हो गया आपका. यस सर. सो थोड़ा सा प्रिपरेशन कैसे करी आपने? और देवेंद्र, एक एक करके आप शुरू करो, फिर आपको कुछ और दोस्तों से भी मिलाऊंगा जो ऑफलाइन भी हैं. यस सर. प्रिपरेशन के लिए तो सर यूट्यूब सबसे बेस्ट वो है सर, माध्यम है, मीडियम है. वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं, मतलब बहुत सारे पेपर्स है सर. लगभग मैंने देखी थी, मेरे पास 300 वीडियोस की प्लेलिस्ट थी. 300 वीडियोस? हाँ. तो सर 19 से सर फॉर ब्राइटन किया आपसे. ओके, दोस्ती की जा सकती है इस चीज के लिए. ओके सर. और सर गूगल पे भी सर पीडीएफ्स है तो उनसे भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं. पीडीएफ गूगल पे मिल जाएंगी और यूट्यूब पे आपको वीडियोज ऑडियो मिल जाएंगे.
हाँ सर, अगर अपन ने 20 से 25 मॉडल पेपर भी कर लिए तो सर अपना लगभग काम तो हो जाएगा सर। उससे पहले जरूरी है कि अपने को एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा। एग्जाम में किस, जैसे लेजन में अपने को 5 टाइल होती है, 5 टाइल होती है, उनमें से 2 ग्रामेटिक होती है, तो वो क्या इजी पड़ती है। ग्रामेटिक पोर्शन अपना इजी होता है, तो मैंने सबसे ज्यादा ग्रामेटिक पोर्शन का ही सर ट्राई तैयारी की थी, तो मेरे ग्रामेटिक पोर्शन में 30 आउट ऑफ 30 थे। यस 30 out of 30, सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। शाबाश, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी आपने ग्रामर की, वेरी गुड। और और सर इसमें मैंने जो जैसा देखा है, ज्योतिष से इजी ह्योरन आता है सर। ह्योरन इजी यूज पड़ता है, हाँ, लेजन ज्योतिष से टफ पड़ता है, लेकिन ह्योरन इजी पड़ जाता है। हाँ, लेजन गए थे से टफ पड़ता है। हाँ, लेजन टफ होता है ज्योतिष से। ओके, मार्क्स कम आए लगते हैं आपके लेजन में, है नहीं सर, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा मेरा एरफार होंगे सर, उस हिसाब से नहीं? मैंने ऑफ कोर्स, जो। आप तो अपने ही बताओगे, ठीक है। हाँ सर, हाँ, तो आपने कितने पेपर सॉल्व किए थे? सर मैंने ऑलमोस्ट सर 40 के आसपास किए थे। यस 40 पेपर्स, सर, ओके। और वहां पे जब गए तो डरे हुए होंगे काफी? नहीं, नर्वस तो सभी होते हैं सर एग्जाम में, तो ठीक है, तो मतलब नॉर्मल इंसान हो, आप भी नर्वस थे कि पर ओके। बहुत ज्यादा। लेकिन सर जैसे ही वो लेजन की सर पहले टाइल की, तो वो सारी नर्वसनेस चली गई सर। इजी लगा आपको, है ना लेजन? हाँ यस सर। अभी तो लेजन टफ बता रहे थे। नहीं सर, वो फिर प्रैक्टिस भी तो है ना। हाँ, प्रैक्टिस थी, ओके, इसलिए वो ठीक हो गया। हाँ मतलब लेजन जनरली टफ होता है, लेकिन वो लेजन करते ही आपका डर निकल गया कि ओके, ये बाकी तो मैं ठीक से कर ही लूंगा। हाँ ओके, प्रैक्टिस कितने दिन करी थी एग्जाम की? एग्जाम की प्रैक्टिस लगभग सर मेरा 3.5 महीने की प्रैक्टिस थी। 3.5 महीने। अरे हाँ, वाह, ग्रेट। कोर्स मिला के या कोर्स के अलावा? कोर्स के अलावा सर, कोर्स भी साथ ही चल रहा था, कोर्स के साथ साथ ही प्रैक्टिस हो रही थी मेरी, ओके, तो मेरे को ऐसे पता था कि इसमें योरन थोड़ा इजी आता है, तो सर मैं योरन पहले सर ज्योति का योरन की प्रिपरेशन करता था उसके लिए। तो ओके, प्रैक्टिस आपने ज्यादातर पहले ग्योथे की करी थी हाँ, पैरेलल? पैरेलल गयो थे कि मेरे को सर वो कोचिंग का भी तो पास करना था ना, आप हाँ भी हाँ लेते हो ओके, तो इधर तो अपन वो ग्योथे के हिसाब से लेते हैं, तो फिर वो जरूरी वो भी था। हाँ हाँ, ठीक है, तो दोनों पास कर गए आप? यस सर, दोनों साथ ही हो गए थे, फर्स्ट ओके, अच्छा, राउंड में हो गए थे सर। गुड, बढ़िया, गुड। और भी किस जिस भी फ्रेंड ने ऑलरेडी टेल का दिया है, कोई आप हमको टिप्स देना चाहोगे राहुल? बाकी लोग भी अपना हैंड रेज करके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर टिप्स तो ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही पेपर आपको इजी लगेगा। ओके, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे बाकी लोग? मे बी वन बाय वन, एक बार हम लोग देवेंद्र से और पूछेंगे। देवेंद्र, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हेलो सर, आवाज आ रही? कितने दिन की आपने कितने पेपर सॉल्व किए? दोनों ने साथ तो नहीं करी होगी तैयारी, या साथ ही करने वाले थे? नहीं सर, मैंने इससे पहले चालू कर दी थी राहुल से, और मैं B1 के एग्ज़ाम के बीच में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। और मुझे टेल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें चारों टाइल एक साथ हो गई, एक साथ ही मिल जाती है आपको, गोते में आपको सीट अवेलेबल होती है उस हिसाब से मिलती है, तो मुझे टेल बेस्ट लगा, तो मैंने टेल का कर दिया। तो और सीधा सा यूपी, एक कारण ये भी हो गया कि मतलब ज्योति में जो सीट नहीं मिलती, ये दुख टेल्क में नहीं है। हाँ टेल्थ में ऐसा कुछ टाइम, नहीं है। ओके, ज्योति में सी वो टाइम वेस्ट होता रहता है कई बार, हाँ और भगवान की दुआओं, लोगों की दुआओं के भरोसे ही हो आप वहां पे, है ना? अपनी हाँ तैयारी करो, नंबर आए नहीं आए, और यहाँ पे कम से कम ये शॉर्ट शॉर्ट है कि एग्जाम का आपने पैसा भर दिया तो एग्जाम दे लोगे। हाँ ये है सर, इसमें कंफर्म, ओके, और चारों टाइल एक फीस साथ होती है। फीस थोड़ी ज्यादा है ट्वेंटी इसकी ट्वेंटी या? 5,000 है इसकी, फोर चारों टाइल की।
ओके 25,000 के आसपास पड़ गई आपकी। हाँ सर, ओके पहले 23 के आसपास थी और बढ़ा दी क्या इन्होंने? हाँ सर अभी बढ़ा दी सर फीस। वाह बहुत जल्दी करी, ताजा ही शुरू किया था उन्होंने तो, 2 साल भी नहीं हुए शायद ढंग से एग्जाम हाँ होते तो। बट ओके ठीक है, डिमांड बढ़ रही है तो इन्होंने सोचा होगा कि तो ना। सर, जैसा राहुल बता रहा था कि लेजन पार्ट, हाँ लेजन पार्ट थोड़ा टफ आता है लेकिन कोई नहीं, निकाल देते हैं इसका। लेजन और श्रायबन ये दोनों पार्ट थोड़े टफ आते हैं, अगर इनको अच्छे से कर लिया ना आपने तो आप चारों टाइल निकाल दोगे। श्रायबन ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, ओके हाँ तो उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है सर। तो उसमें टाइम फिक्स रहता है कि 25 मिनट में आपको एक मेल पढ़ के उसका रिप्लाई करना पड़ता है, फिक्स टाइम रहता है सर। और कहाँ पे खतरा ज्यादा है कि कोई अगर चूकेगा तो कहाँ चूकेगा यहाँ पे? सर चुकेगा तो वो श्रायबन में चुकेगा और हियरन पार्ट में चुकेगा। क्या टाइपिंग का भी चक्कर है इसमें? ऐसे सुना मुझे कि टाइप करना पड़ता है हाँ कंप्यूटर टाइप पे। करना पड़ता है सर, टाइपिंग का है इसमें, आपको जर्मन कीबोर्ड मिलेगा उस पे वो उमलाउट वाले सारे वर्ड्स रहते हैं, सारे फिक्स रहते हैं, बस आपको टाइप करना पड़ता है। आपके जैसे 25 मिनट्स बोलते हैं वो, जिसमें 4-5 मिनट तो आप एक मेल दे देंगे, आप उसको समझने में लगा दोगे, उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसको लिखने में लगा दो, बस फिक्स टाइम रहता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है श्रायबन आपका कंप्लीट होने के बाद। तो फिर इसका मतलब आपने तो जर्मन कीबोर्ड खरीदा होगा, प्रिपरेशन हाँ करी हो, सर, हाँ मैंने सर लैपटॉप पे की थी तैयारी घर पे, मतलब जर्मन कीबोर्ड मिल जाता है आप? सर, हाँ हाँ मिल जाता सर, अवेलेबल हो जाता है नहीं, आपने कहाँ से लिया वो बताओ? सर। मैंने तो रायसर प्लाजा से लिया था। तो जर्मन कीबोर्ड मिल गया था वहां पे। हाँ, अरे वाह, तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, ये कि मान लो कीबोर्ड अपन खरीदें तो हो सकता है 200-500 रुपये में आ जाता होगा, नहीं? हाँ और सर एक चीज़ और, अगर आप वैसे आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है तो आपको कीबोर्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी कॉपी में सिर्फ राइट डाउन करो मेल, मतलब अपने हिसाब से कैसे मेल लिख रहे हो आप, उसका तरीका क्या है, ईजीएस्ट वे में सबसे अच्छा रहता है। नहीं वहां पे अगर जर्मन का मिलेगा तो इंग्लिश वाला थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेगा क्या? नहीं अदरवाइज नहीं तो 0, 2 to 8 और इसके शॉर्टकट्स होते हैं, हाँ इंग्लिश वो वाले भी लग शॉर्टकट जाते होते हैं, लेकिन हैं। वहां पे अगर जर्मन का मिलेगा तो थोड़े डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे स्टूडेंट्स? नहीं नहीं सर इतना डिस्टर्ब क्यों होते सर, आपको भी पता जर्मन थोड़ी इंग्लिश की जैसी है भाई, लिखने पढ़ने में तो इंग्लिश टाइपिंग होती है ना, तो माइंड में रहता है कि हाँ कैसे टाइप करना है, हाँ क्या लिखना है बस। ओके मतलब ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं, ज्यादातर की वैसी है, कोई कोई अलग है। हाँ कोई कोई अलग है सर। ओके तो ठीक है, ये पैटर्न एक बार मैंने यहां पे ओपन किया है लेजर में, इसमें 3 टाइल दिख रही है, टाइम है 90 मिनट्स, जी सर, फर्स्ट वाला है ग्लोबल फर्स्टेन क्यून सोडनुंग साउथ गाबन, मैच कराने वाले हैं इसमें डन डिटालियड या डिटाइल फर्स्टेन क्यून मल्टी पल चॉइस ऑफ गाबन और डन टाइल ड्राई सेलेक्टिव फर्स्टेन सेंस ओडनुंग साउथ गाबन। तो ये लेजेंड पार्ट है जो आप बता रहे हो सबसे टफ। एक मिनट हम जरा सा देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। उसी तरह से फर्स्ट हाँ सर, टाइल वन में यहां पे कुछ हेडिंग्स दे रखे हैं या यूवर स्क्रिप्टन टाइटल्स हेडिंग्स दे रखे हैं यहाँ पे, और फिर ये पढ़ के आपको मैच करवाना है। ये थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, ये सेकंड वाला है ये ऊपर वाला टाइल्स पोस्ट, फाइव आ गया। पहला हाँ ये सेकंड यहां वाला तक आपको मैच करवाने थे, हेडिंग्स मैच करवाने थे, और ये टाइल सेकंड। ओके लेजर फर्स्ट एंड टाइल्स वाई 6 to 10, और यहां पे आपको देखना है रिश्टिश फाल्स, नहीं आबे से है इसमें तो आबे उधर से हाँ। उन टाइल ड्राई, इसमें एडवर्टीजमेंट्स जो आपके गीते में भी आते हैं अच्छा या अनसाइगे, वो आपको मैच कराने हैं। सिचुएशन दे रखी है और ये पढ़ के आपको मैच कराने हैं। तो ये तो ऑलरेडी गीते की तरह ही हो गया,
पहले वाले दोनों थोड़े अलग हो गए राइट। इन तीनों में, इन तीनों में भी आपको ज्यादा टफ कौन सा लगा? सर सेकंड वाला है, सेकंड वाला ज्यादा लगा। पहले की और थर्ड की तो आपको आदत थी, पहले वाले में मिलते जुलते से टाइटल से मिलते हैं तो आप उन दो को जो सिमिलर लगे केवल उसमें ही दिमाग लगाते हो। हाँ सर। ओके राइट, एक बार सारा पेपर जरा सा एक बार दिखा देता हूं मैं, फिर ये आ गया आपका ग्रामेटिक या इधर आ गया स्प्राख बाउस्टाइन है, इसमें आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है खास तौर पे। तो लोग जो डरते हैं वो इसी से डरते हैं क्या? हाँ सर, इसी था सेम, दो आते हैं ग्रामेटिक पार्ट, दो आते हैं। तो जो पहला वाला है इसमें ऑलरेडी यहाँ पे प्रीपोजिशन या दूसरी ग्रामर आपके पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं और आपको कौन सा सुटेबल है। बट पहले वाले में अच्छी बात यह है कि इन तीन में से ही दिमाग लगाना है, थोड़ी सी अच्छी बात तो है कि मतलब कि 20 नहीं दे रखे, इन तीन में से ही सोचना है और आपकी ग्रामर ठीक ठाक है तो आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव तो है तो एडजेक्टिव एंडिंग में ये वाला लगाना है ऐसे करके। ओके और फिर नेक्स्ट वाला जो है टाइल्स वाइज, ये इससे थोड़ा टफ पड़ता है, ये थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें सब में से कोई भी आ सकता है तो आप लगा लगा के देख रहे होते कि व्यूड है, अच्छा लास्ट में इन्फिनिटिव वर्ब है, हाँ हो सकता है संभावना है या गिनेटिव आ रहा है क्या आ रहा है। सो ये वर्ब की पोजीशन क्या आएगी इस तरीके से, ये सेकंड वाला हो गया। ओके सो देन श्योरन आ गया, दो ही है इसमें तो फिर। हाँ सर, ग्रामर पार्ट दो ही है, इजी हो गया वो तो थ्योरन में। अच्छा इजी वो ग्रामर पार्ट ही है उसमें कि ग्रामर पार्ट, ग्रामर अच्छी है तो इतना टफ नहीं लगता अगर तो। टाइम तो इसमें बहुत कम लगता होगा। हाँ सर, टाइम कम लगता है आपको, जैसे ग्रामर के रूल्स पता है भाई, आपको लग रहा है कहाँ क्या सुटेबल है तो उसी हिसाब से आप कर दो। हाँ अगर आपको आता है तो कम लगता है टाइम, राइट। ओके एंड देन ह्यूरन भी कम है इसमें, जैसे ग्योथे वाले में चार होते हैं पार्ट, इसमें तीन ही है सर, 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल इसमें, 20 क्वेश्चंस है। सो जी ह्यूरन आइनमाल स्वाइमाल उंट स्वाइमाल। ओके तो ये तो ह्यूरन तो फिर वापस ग्योथे की तरह ही हो गया, उससे कुछ न कुछ इजी पड़ रहा है। और ग्रामर अगर आपको आती है तो श्राइबन भी निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये श्राइबन पार्ट, श्राइबन पार्ट हो गया। सो लेजन वाले के कुल मिला के पांच पार्ट हो गए वैसे, राइट? दो ग्रामर वाले हो गए और तीन वो शुरू में हमने देखे थे वो। हाँ सर, हाँ लेजन वाले पांच ज्यादा रहते हैं सर, लेजन वाले का रहता है सर इसमें, राइट। लेकिन ग्योथे में भी पांच होते हैं और वहां फिफ्थ टाइल से डर रहे होते हो, यहाँ पे ग्रामर वाले से डरोगे, ये मतलब है थोड़ा बहुत। और स्विफ्टली स्टाइल इसका श्राइबन पार्ट है। आप बोल रहे थे कि श्राइबन पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, श्राइबन पार्ट में तो इसमें मुझे एक ही दिख रहा है। हाँ सर, एक ही आता है सर श्राइबन, जैसे ये मेल होती है इसका रिप्लाई करना पड़ता है पहले, अपन को समझना पड़ता है, वो अपन को कोई भी मेल दे सकते हैं कहीं से भी, तो उसको समझ लो कि हाँ ये बोलना चाहता है, उसके हिसाब से फिर अपन को खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है फिर टाइप करके। लेकिन जैसे मान लो एक ड्यूटी वाली में तो तीन चीजें समझनी पड़ती हैं, तीनों में दिमाग भी लगाना पड़ता है कि वो क्या ही सिचुएशन रही होगी, कहीं गलत नहीं समझ जाए। यहाँ पे जब पूरा मेल सर, माइंडिंग भी रहता है सर, राइट, कंफ्यूजन में भी रह सकता है, माइंडिंग वगैरह भी रहता है, माइनिंग भी रहता है, राइट। सो यहाँ पे तो आपको जब मेल साफ साफ दे रखी है तो उससे इजी लगी होगी। हाँ सर, इजी लगी थी सर, तो नहीं होता। ओके कि ऑलरेडी जब दे रखी है पूरी डिटेल तो आपको फिर ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है और फिर वो वापस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है, ठीक है। और म्यूंडलिश, हाँ सर, इसमें भी सबसे पहले पार्टनर के साथ। हाँ सर, गेम है, पहले आपको पार्टनर को केनन रन समझना पड़ता है कि उस मतलब केनन उसको जानो, जनरल इंफॉर्मेशन अपने पार्टनर से आप क्वेश्चन आंसर करो, जनरल
कौन हो, कहाँ के हो, क्या करते हो, सारे जो ऑलरेडी इसमें दिए भी हुए हैं एक दूसरे को, कैनन लर्नन हो गया फर्स्ट टाइल, तो ये तो इजी होगी एकदम। हाँ सर ये इजी होती है। और सेकंड टाइल में सर जैसे ये फोटो दे रखी है अपन को, इसको पहले पूरा रीड करना पड़ेगा और इसमें समझना पड़ेगा कि इस लड़की को क्या पसंद है, कहाँ की है, इसकी एज क्या है, फिर अपन को इस फोटो को डिस्क्राइब करना है, उसको बताना है कि भाई इसको ये पसंद है और इसकी एज इतनी है और इसको घूमना फिरना पसंद है जो भी है उसके बारे में डिस्क्राइब करो, फिर उसके बाद अपने मायनूम दो, फिर उसके बाद मायनूम के बाद अपना ओपिनियन दो कि हाँ ऐसा करना ठीक रहता है ऐसा करना, ये थीमा पार्ट हो गया सर। और ये आपका पार्टनर भी ऐसा ही कर रहा होगा, हाँ सर दोनों को अलग अलग मिलते हैं सर। तो वो पहले अपने पार्टनर के बारे में बता, अपने फोटो के बारे में बता रहा होगा कि ये पर्सन है, इसको ये पसंद है, और फिर लास्ट में अपनी ओपिनियन। हाँ सर और लास्ट जो है आपका एग्जाम प्लानन, ये डायलॉग हो गया। तो सिचुएशन को समझ के आपको इसको पिंग पोंग खेलना है। हाँ सर सेम। ओके गुड। ओके दो तीन फ्रेंड्स ऑफलाइन बुलाया मैंने, उनका किस तरह से एक्सपीरियंस है, कौन सी चीज ज्यादा टफ लगी और कैसे हमको गाइड कर सकते हैं, या बुलाऊं चितराम? यस विल्कोमन। या थैंक यू। हेलो, कुछ टिप्स मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए नया है, बहुत सारे लोग B1 तो हर कोई पास होके राइट, या तो जर्मनी जाना है या चाहे डॉयचे बैंक में या कोई भी कंपनी में काम करना है तो B1 सबको चाहिए। और ड्यूटी के चक्कर में बहुत सारे लोग मेरे को बार बार कहते रहते हैं आप रजिस्टर कर दो, तो मैं तो सोचता हूँ कि रजिस्टर मैं कैसे कर दूं, किस किस का कर दूं, अपने आप में ये वर्ड आते ही सच बताऊं दिल से तो मैं डरता हूं कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं भी ट्राई करता हूं तो कभी हो जाता है कभी नहीं होता, और ये और हो जाएगी सर से ही नहीं हुआ समझ रहे हो कि ये तो होता नहीं है वो, और वो कैसे होते हैं वो जानते हैं या वो जानते हैं। और स्टूडेंट्स का तो क्या है कि एक बार पास हो गए तो 2 महीने की गई, 6 महीने की गई, और वो फिर पेनफुल है वो चीज, कि जहां भी रह रहे हैं जर्मन सीखने के लिए। इसलिए मेरे को भी दिमाग में आया कि भाई क्यों ना बच्चों को साथ में इसके बारे में भी गाइड किया जाए और एक पे डिपेंड नहीं रहा जाए, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है ऐसा लगा मुझे, बार बार उनको अपडेट भी किया, तो जहां सॉल्यूशन मिले वहां सोचना चाहिए हमको। तो एक तरह से देखें तो इनडायरेक्टली मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिले तो करनी तो पड़ेगी प्रमोट। तो आपका क्या इसमें तजुर्बा रहा, आप कैसे तैयारी करें स्टूडेंट्स? सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी को आपको हो सकता है कोई दूसरी टाइल टफ लग रही हो, किसी को दूसरी लग रही हो, सो प्लीज। सर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मतलब जब भी कोई एग्जाम की बात आती है या फिर कोई नई चीज की सीखने की बात आती है तो मोस्टली यही बात करते हैं कि इसमें टिप्स क्या हो सकती है। यस बिल्कुल, टिप पूछने की कोशिश करते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे को तो टू द पॉइंट आप वो बताओ जिससे नंबर आए और जिससे पास हो जाऊं, बस मेरा काम हो जाए, बस मेरा काम हो जाए। यस मेरा मानना यही है कि सबसे पहली टिप यही है कि आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि जो एग्जाम है या फिर कोई भी चीज़ें सीखनी होती है तो उसके लिए मेन चीज एक ही है, वो है प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना लगातार, तो फिर उसके लिए टिप्स की जरूरत नहीं रहती। और मैं इसी चीज को मान के चलता हूँ कि सर वास्तव में देखे तो कोई चीज की टिप्स है ही नहीं, सबका अलग अलग तरीका है। अब कोई बंदा है जो जर्मन सीखता है तो वो सीखता है, जैसे कोई वोकेबलरी करनी है तो वो वोकेबलरी को मतलब बार बार मतलब रटता जा रहा है वैसे याद करता है, और किसी की कैचअप पावर अच्छी है तो वो 2 बार रीड करे उसी में याद हो जाए। तो मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ, तो मैं बस जनरल रीड करता जाता हूँ, इस भाव से नहीं पढ़ता कि हाँ मेरे को याद करनी है, और मैं उस भाव से करता हूँ मेरे को याद भी नहीं होती, तो मैं जनरल रीड करता रहता हूँ। जैसे मान लो स्टोरी वगैरह पढ़ी तो आगे से आगे पढ़ते चले जाओ, अपने आप कई चीजें बिटवीन द लाइंस, कई चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हर बार आप बेहतर होते चले जाओगे। हाँ। तो बेटर है मतलब उस पे काम करते रहो रटने की बजाय। हाँ रटने की बजाय वो अच्छा है, क्योंकि अपन ने 10-20 बार रीडिंग लगा ली एक ही चीज की, तो फिर वो जब कहीं दूसरी जगह हमें नजर आती है तो हमें डायरेक्टली दिमाग क्लिक करता है कि हाँ इसका मतलब तो ये था, तो रटने की बजाय ये अच्छा लगा मेरे को मेरे हिसाब से। और अब बात करें एग्जाम की, तो ये जो
एग्जाम मॉडल्स हैं इनको किसी को लगता है कि यार मतलब इनमें से आ जाए तो कितना अच्छा है, या फिर पर्टिकुलर यही हो तो बहुत बढ़िया है। तो मेरा मानना यही है कि जो मॉडल पेपर्स है वो एक बस पैटर्न है, और ये आपको सिखाता है मैनेजमेंट, एग्जाम का मैनेजमेंट कैसे करना है। अब हर एक का टाइमिंग अलग अलग दिया होता है, सराबन का अलग है, एक्सप्रेशन का अलग है, मतलब एक लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट करनी होती है, और ये चीजें तभी आएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बस मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होती है, ना कि इसको लेके ये सोचे कि यार मतलब इसी में से आए तो बहुत अच्छा है या फिर यही पर्टिकुलर चीजें हो। हाँ, ये दिखाता है आपको कि ये एक सिनेरियो है और इसी हिसाब से चीजें बनाई गई है और सिस्टमेटिक जचाई गई है। तो आप सराइबन के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये सारा जो एग्जाम है इसका जो पैटर्न है वो सारा ऑनलाइन होता है कंप्यूटर बेस पर, चाहे सराइबन हो, लेजन हो, ह्योरन हो, ये सारी चीजें कंप्यूटर बेस पे हैं। तो आप को सबसे बढ़िया चीज यही है कि निरंतर प्रैक्टिस करनी है, और जहां तक हो सके आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो आप उसी से नजरें गड़ाए रखें। जैसे मॉडल पेपर मिलते हैं तो अपन ने पीडीएफ निकलवा ली, फिर उसी को मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अपन एक तो बुक में पढ़ते हैं और एक जब स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट आता है। आपको अच्छा कौन सा लगता है? मेरे को कंप्यूटर वाला अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मैंने देखा, मैं रीडिंग जब बुक में करता हूँ तो मैं मतलब बहुत जल्दी कर पाता हूँ, और जो टाइम दिया होता है उसे पहले ही खत्म कर देता हूँ। और वही चीज जब मैंने स्टार्टिंग में स्क्रीन पे की तो मेरे को एक तो टफ लगा, क्योंकि ऊपर नीचे करना होता है, और जब आप नीचे का पार्ट पढ़ते तो ऊपर वाला आंसर आपका ऊपर आ गया, फिर आपको फिर नीचे आना पड़ता है, फिर ऊपर देखना पड़ता है। तो ये जब अपन प्रैक्टिस कर करके आदत डाल लेते हैं तो वहां दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो क्योंकि आपकी एग्जाम वहां पे स्क्रीन पे ही होनी है तो बेटर है आप तैयारी भी पहले से स्क्रीन की थोड़ी आदत डाल लो, ताकि वो उस टाइम पे हाँ, क्योंकि घबराहट नहीं हो। जो चीजें जिस हिसाब से है अपन को भी वहीं जाके वही करना है, तो वहां जाके अड़बड़ाए उससे बेस्ट है कि यहीं पे वही चीजें स्टार्ट कर दे, तो अपने को वहां जाके दिक्कत नहीं आएगी। और सेम चीज फिर ये टाइपिंग की भी होगी कि आप लैपटॉप पे अगर टाइप पहले से ही करते आ रहे हो तो वहां भी आप कर लोगे, क्योंकि ऑल द टाइम आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करी और वहां टाइप करना है तो घबराहट होनी है। हाँ, क्योंकि अपने को लिमिट टाइम मिलता है और जो ऑलरेडी मेल लिखी हुई आती है उसको ध्यान से पढ़ के समझना होता है, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, क्या ऑफर दे रहा है, किसे इनवाइट कर रहा है। तो लिखने से ज्यादा आप उसको समझने में थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपने 2-3 महीने या महीने भर भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी टाइपिंग की तो आपको इतना जोर नहीं आता उसमें, मतलब समझ आने के बाद चीजें अपन कहानी समझ में आ गई मुद्दा क्या है तो फिर अपन फटाक से लिख सकते हैं उस चीज को, वो अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि इसमें मेन चीज ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है, वैसे तो आप जितनी तैयारी करोगे वो आपके काम आएगी, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर से आपको एक टाइम मैनेजमेंट कि इतने देर में मुझे ये निपटाना है वो चीज समझ में आएगी, और एक पैटर्न का आपको पता चल जाता है कि इस तरह का आएगा, अलग तो आएगा लेकिन इसी पैटर्न का आएगा। तो हाँ, इसमें मॉडल पेपर से यही मिलता है अपने को कि मतलब ये एक जो सिस्टमेटिक जो चीजें दी हुई है उसी हिसाब से आती है, अब क्या आए कैसे आए वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या देते हैं। तो मॉडल टेस्ट जो आप पेपर कर रहे थे तो आप उसकी जो भी वोकैब नहीं आती थी उनको लिखते भी थे या आगे बढ़ जाते थे? नहीं सर, लिखना पड़ता है वो तो, नहीं तो फिर अगर एग्जाम में आ गई बाय चांस तो फिर वहां क्या गया। मैं यही करता था कि मैं जो वोकैब नहीं आते स्टार्टिंग में मैंने नोटबुक में लिख ली, फिर उनकी रीडिंग लगाता था, और जब वो दोबारा दिखती थी मेरे को क्लिक हो जाती दिमाग, मतलब इसका मीनिंग ये है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, बाकी फ्रेंड्स लोग वो भी वोकैब कैसे तैयार कर रहे थे? नहीं रहो, आप एक बार जाना मत, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे। एक्चुअली अभी तो अपन ही बातें कर रहे हैं, और एक फ्रेंड शायद कोई आना चाहे तो ऑफलाइन से। नहीं, चलो ठीक है, अब आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस, जिन जिन के क्वेश्चंस हैं अपने पास, 3 लोग हैं अभी, सीताराम है, देवेंद्र है और राहुल है। यस प्लीज, अब अपने क्वेश्चंस पूछो, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो लोग आपको बेहतर बता पाएंगे। यस सुमित, सोनी, सोनी एंड देन सुमित। सोनी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, प्लीज। यस सर, मेरा क्वेश्चन था सर, लेकिन वो मुझे आंसर मिल गया, वो साइबन के रिगार्डिंग था सर, कि वही कि जर्मन कीबोर्ड यूज होता है, यही था सर। और okay. और जो रीडिंग वाला है वो
जैसे सर नेटवर्क में आता है वैसे ही ये एग्जाम भी मुझे लगता है टेल्क वाला भी ऐसे एग्जाम होता है वो भी कंप्यूटराइज ही एग्जाम होता है सर। ओके ओके सुमित योर क्वेश्चन। यस सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो स्पीकिंग से रिलेटेड है सर। स्पीकिंग के अंदर जो टाइल आती है जिसके अंदर एक बिल्ड स्क्राइबिंग बिल्ड के ऊपर बोलना होता है, फोटो दिखाते हैं सर, उसके बारे में है कि उसमें कितना टाइमिंग मिलता है कि इतने टाइमिंग में आप फिनिश करके और दूसरे टाइल पे आना होता है आपको? जैसे गोथे में 3 मिनट मिलते हैं थेमा के ऊपर कि आप 3 मिनट के अंदर बोल के फिर आपका थेमा जो है वो एंड करना होता है, जैसे उसी तरह इसके अंदर भी कोई टाइमिंग होगी? तो वो पहली बात तो कि उस तस्वीर पे नहीं बोलना होता है अपने को, वो जो तस्वीर के ऊपर जो लिखी हुई है हेडिंग्स, मतलब कौन है, कहाँ से है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है कि वो क्या कह रहा है। आपको वन टाइम वो बताना होता है, जैसे भी कोई फीमेल है तो आपको बताना कि वो मतलब उसका नाम सीता है, गीता है, जो भी है, वो वहां से आती है, उसकी उम्र ही है, एक्सप्लेन करना है आपको उसके बारे में। और फिर बताना है जैसे मतलब वो है तो उसका मन है कि वो मतलब जैसे ही छुट्टियां मिलती है तो घूमने चली जाती है, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस क्या आप बताएंगे अपना ओपिनियन कि मतलब आप फ्री होते तो क्या करते हैं, मैं ये हूँ, मेरा नाम ही है, मैं वहां से हूँ, और जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मेरी फैमिली के साथ बैठता हूँ, तो आपको अपने हिसाब से ओपिनियन देना होता है उसमें, तस्वीर के अकॉर्डिंग मतलब नहीं बताना आपको। बिल्ड शायद हो गया वो इंप्रेस है जो भी चीज लिखी हुई है। सर इसमें टाइमिंग कितना मिलता है? टाइमिंग 5 से 7 मिनट। ओके और सर स्क्राइबन के अंदर जैसे कीबोर्ड से लिखते हैं तो क्या उसको वापस डिलीट कर सकते हैं, जैसे कुछ भी स्पेलिंग गलत होती है तो उसको इजीली बिल्कुल कर सकते हैं? ओके और सर जो एंसर की होती है वो कैसे, वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही फिल करनी होती है एंसर की, या उसमें कोई ओमार शीट अलग से देते हैं, फिजिकली कुछ देते हैं, पेपर वगैरह? नहीं, टोटली आपका कंप्यूटर के अंदर ही होगा। ओके अलग से कुछ नहीं मिलेगा, एक पेज मिलेगा, उस पे आप अगर आप अपने हिसाब से कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पेन और पेज देंगे आपको। पेन पेपर तो आप? हाँ पेन पेपर देते हैं, वही अंदर से ही देते हैं, आपको ले जाना कुछ नहीं होता। ये जो स्क्राइबिंग का पार्ट वो है, स्पेसिंग का पार्ट, इसके जो फोटो है उसके ऊपर जो हेडिंग दी हुई है, जो भी डिटेल दी हुई है उसके ऊपर बोलना है। हाँ। फिर अपना ओपिनियन देना, तो अपना ओपिनियन उसके बारे में देना है खुद के बारे में? अपना है तो अपने बारे में देना है। पहले तो फोटो वो उसकी उसमें उसके बारे में तो लिखा हुआ है। हाँ। आपको वही बताना है कि क्या लिखा हुआ है, उसको समझ के इंटरप्रेट करना है आपको, उस फोटो से रिलेट कर दिया उस टेक्स्ट को, फिर आप खुद क्या करते हो। जैसे मान लो कि वो फ्री टाइम में घूमने जाती है, उसको बहुत घूमना पसंद है, आपको भी घूमना पसंद है क्या, उस तरीके से आपने अपने बारे में भी। ओके जैसे ये है तो आपको जो ये दे रखा है ना, पहले तो इसको एक्सप्लेन करना है कि वो याना है, 16 साल की है, वहां से है, इसके बारे में बताना है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो करती क्या है, उसको बढ़िया क्या लगता है। ठीक है, सपोज शादी के बारे में बता रखा है उसने, मेरा पार्टनर अच्छा है, मैं उसके साथ खुश रहती हूँ और मतलब शादी करके अच्छा लगा, और तो आपको पहले बताना होगा कि उसने शादी कर रखी है, नाम ये है, वहां चाहती है। हाँ, आप भी करना चाहते हो? हाँ, फिर आप अपना बताओगे? हाँ, अपना बताएंगे, और वो कहाँ से है, प्रोफेशन क्या है, सब लिख रखा है इसमें। अबिटूर इन अबिटूर तो साथ। हाँ, तो आपको ये देने एग्जाम में बिठाने से पहले आपको 2-3 मिनट देंगे जिसके अंदर आपको पहले ही दे दिया जाएगा, तो उसमें आप पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इस चीज को, और फिर आपको दूसरे रूम में बिठाया जाएगा जिसमें आपका एग्जाम होगा एक्सप्रेशन के लिए, तो वहां जाके उससे पहले आपको जो पेज और पेन दिया जाएगा ना उसमें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपना माइनिंग भी बना सकते हैं पहले ही। वहां जाके देखना नहीं है लेकिन पहले लिख लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, वहां जाके बोलने में भी इजी हो जाएगा। तो पार्टनर इनका जो है वहां पहले से नाम लिखा होता है कि इनका पार्टनर कौन है, या फिर वो रेंडमली ऐसे ही बताते हैं? पहले बता देते हैं, पहले बता देते हैं, और दोनों पार्टनर को एक साथ लेकिन ये नहीं बताना कि मतलब किस मुद्दे पर करनी है, तो पहले अपन पार्टनर को सेट कर सकते हैं, देख भाई मेरे को इतना आता है, तू इस हिसाब से यूज करना, ये वो के बोलना, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि देख मेरा लेवल ये है, तो दोनों का काम बन जाए। ये नहीं कि वो एक तो दिखा रहा है कि मैं तो B2 से आया हूँ, B1 का दे रहा हूँ, तो अपनी फ्लुएंसी में बोल रहा है और आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मतलब की बात नहीं, दोनों का नुकसान होगा।
ये नहीं कि उसको तगड़ा आ रहा है इसका मतलब पास है, दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा उसको। दोनों का लेवल उसमें पिंग पॉन्ग चलना चाहिए, एक ही एक बोला और दूसरा नहीं बोला तो बोला उसको भी नुकसान है क्योंकि डायलॉग तो हुआ नहीं ना उस तरीके से, अल्टीमेटली डायलॉग शुड हैपन। पांच से सात में, और जो इसका फर्स्ट स्टाइल है एक्सप्रेशन की शायद गोएथे में तो ऐसे होता है कि मतलब एक ही बंदा अपना फोर स्टाइलिंग करता है। यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल सा है इसमें, पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर आप मुझसे पूछेंगे, ये चलता रहेगा। तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो मतलब मैंने पूछ लिया उसके बाद फिक्स है कि वो सामने वाला पूछेगा, सामने वाले पूछ लिया, जैसे नाम पूछ लिया उसके बाद में आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, हाँ राइट, ऐसे मैं यहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो, ऐसे करके। अगर मिक्सिंग नहीं चाहते कि तू आप कहाँ से रहते हो, मैं वहां से रहता हूँ, फिर पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने भी पूछ लिया क्या करते हो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, नाम पूछ लिया फिर जगह पूछ सकते हो, सामने वाले ने जगह पूछी तो आप फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, मतलब एक क्योंकि वही फिर रिपीटेशन सा होता रहे एक के लिए, तो वो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें गोएथे की तरह नहीं चलना कि ऐसे एक केस हुआ था एक बार, मतलब दो बच्चे गए थे तो वही गोएथे की प्रिपरेशन के साथ था, तो उस जब वो पार्टनर मिले किसी फर्स्ट स्टाइल के लिए तो इसमें दे रखा था फोर स्टाइलिंग करना है, तो उसको पड़ी कि मैं तो अपना फोर स्टाइलिंग बढ़िया दूंगा, तो सामने वाला कह रहा है कि मैं पांच से सात मिनट फोर स्टाइलिंग बोलूंगा तो तू नहीं करेगा, तो उसको दिक्कत होगी कि भाई ये फॉर्मेट ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन उस बात पर अड़ गया, फिर जैसे तैसे करके उसने धमकाया कि बाहर आएगा तो मारूंगा तेरे को, नहीं तो मेरे हिसाब से चल, फिर जाके बात बनी दोनों, तो ऐसे नहीं करना है, दोनों को मतलब बराबर क्वेश्चन करते रहना है, रुकना नहीं है, वो बेस्ट ऑप्शन है। एक तरह से आप इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू लेते हो तो बात धीरे धीरे आप आराम से अपनी कहो, उसकी सुनो, वो कहे तो आप भी उसको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करो प्रॉपर तरीके से। इनका मानना है कि बस कम्युनिकेशन चलता रहे आपका। यस, और आई थिंक इसमें ये मेरे को बेटर भी लगा, आपके अपना अपना क्या रटके आप क्या, हाँ वो पता भी चल जाता है अगर रटाफिकेशन हो तो, करेक्ट, ठीक हो, क्या बंदा क्या पूछ रहा है आपको नहीं पता, इसके बाद में यही नहीं पूछेगा, इसके बाद में वो ये पूछ सकता है, तो इसमें जनरली डे टू डे लाइफ में अपन किसी से मिलते हैं तो कुछ भी पूछते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि मिलते ही नाम बताओ और फिर कोई फिक्स तो फॉर्मूले होते नहीं। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखने की वो है कि मतलब जैसे फर्स्ट ट्रायल हुई आपकी तो उसके अंदर वो जो एग्जाम ले रही है एग्जामिनर, तो वो आपसे एक दो चीजें पूछेगी, इन्हीं में से कुछ भी पूछ सकती है, वो ध्यान रखो। ओके, नीरज एंड राजनीत आई थिंक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, राहुल वगैरह भी यहाँ है। यस यस सर, तो नीरज सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपको सर पता है क्या नोएडा में भी होता है क्या ये एग्जाम सर ने दिया है अभी? हाँ लगता है नोएडा में लगता है, बस उसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है, वो हर महीने करवाता है और इसका दो तीन महीने से एक बार एग्जाम। नोएडा में, नोएडा में टेल का सेंटर है? हाँ नोएडा में टेल का सेंटर है, उसकी बस थोड़ी सी फीस आई है 27,000 रुपए, वो हर महीने एग्जाम करवाता है। ओके, और ये हमें जैसे कीबोर्ड है, हम इंग्लिश के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के कीबोर्ड तो हमें याद हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पे उमलाउट वाले मिलेंगे, तो क्या हमें जर्मन कीबोर्ड पहले से लेकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि तो टाइम भी कम रहता है, एकदम थोड़ा सा टर्म एंड ड्रिप भी रहता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो यूं है कि मतलब खास फर्क नहीं है, बस उमलाउट के वो एक साइड में दे रखे होंगे, तीनों कंटिन्यू पास पास में होंगे, और इसमें क्या है जेड अपने इंग्लिश में नीचे आता है उसमें ऊपर आ जाएगा, एक दो वर्ड का है, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, खरीदना चाहे तो, कि आपको लगे हाँ मेरे को परफेक्ट करके जाना है, वहीं कोई झिझक ही नहीं रखनी, तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन खास और बात कि हाँ उस वजह से अपन डिस्टर्ब हो गया, टाइम इसमें इनफ मिलता है, एक ही मेल है, हाँ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम का स्कोप तो रहता है, बट फिर भी मान लो आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं मैं तो खरीदूंगा तो अच्छी बात है। हाँ तो ऑनलाइन अमेजोन पे मिल ही जाएगा, खरीद सकते। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि समटाइम जो जर्मन कीबोर्ड है उसमें उमलाउट वाली कीबोर्ड काम नहीं करती है, तो उस मोमेंट में हम क्या करें? उस मोमेंट में यूं है कि तो काम नहीं करते, क्योंकि मैंने ना वो प्रॉब्लम फेस की थी, उससे ना टाइम भी वेस्ट होती है, बट जो एग्जामिनर है वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाते, वो बोलते हैं इसमें इन नॉर्मल कीबोर्ड आल्सो यू कैन यूज जर्मन कीबोर्ड,
there are four letters na, for that you can, if you go for the searching on Google, you will find the solution. There is some tabs like Alt 0223, then you can get asset, then Alt 228, you can get A umlaut, and then Alt 246, then you can auch O mit umlaut. So all four letters you can use. Yeah, but I have tried this. Right. Sometimes it's don't work. Yeah, I do always these. So no need to buy any keyboard for German. No need to do anything else. You just use your keyboard. That is enough. And yes, we can also use E after the word. Yes, you can see here on the board. So for A umlaut small, Alt 022. Alt. Yes. And then Alt 223, that is asset beta, you can say. And then Alt 224 बहुत इजी है ये, और एक सेकंड भी नहीं लगता इसमें. इफ यू नो, इफ यू हैव प्रैक्टिस, लाइक आई हैव प्रैक्टिस फॉर दैट, सो आई कैन टेल यू. वेट अ मिनट, आई कैन टेल यू. बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? एक्चुअली बोर्ड वहां पे सेम रहते हैं. लुक, इफ यू प्रेस Alt with 0223. हां मैम, आई नो, आई नो. हेलो, यहां पे लिखा हुआ बोर्ड दिख रहा होगा आपको? आर्ट के साथ हम कुछ कीज प्रेस करते हैं तो हमें आराम से चारों लेटर मिल जाते हैं. बिल्कुल, या वी नो, बट टाइम नहीं था. चलो, सही बात है, राइट, वी नो. हां, आपको इतना झंझट ही नहीं करना है भाई. क्यों सोचना है कि संख्या याद करे, ये करे, वो करे? जर्मन बहुत इजी इंसान है ना, जल्दी से मान जाते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी वर्ड पे उमलाउट लगाना है उस वर्ड को टाइप करे, उसके जस्ट आगे ई लगा दे. सोचना ही नहीं है ज्यादा, संख्या याद नहीं करनी आपको. आल्ट दबाना है कि क्या लिखना है, दो लिखना है, आठ लिखना है, कुछ नहीं लिखना. ए पे उमलाउट लगाना है, ए लिखो, ई लिखो, बस बात खत्म. ओ पे लगाना है, ओ लिखो, ई लिखो, बात खत्म. ऑफिशियल मेल में भी चलता है भाई ये, तो घबराने की तो बात ही नहीं. ये बेटर ऑप्शन रहता है सर. और दूसरी बात, एक भाई कह रहा था कि वहाँ हेल्प नहीं मिलती. भाई बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, पहली बात. और दूसरी बात, आपको हेल्प लेनी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम स्टार्ट होता है उससे पहले आपको नीचे एक बॉक्स आता है जिसके थ्योरम भी स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आपको एक क्लिप दी हुई होगी नीचे, ऑन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका वो हेडफोन काम करता है कि नहीं करता है, पहली बात. दूसरी बात, आप टाइपिंग की बात करें तो आपको नीचे एक बॉक्स दिया था सर्चिंग के लिए, आप उसमें सारे ये की दबा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा काम करता है, नहीं करता. अगर नहीं करता है तो तुरंत आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे, या तो वो कीबोर्ड अरेंज करवाएंगे, नहीं तो उसका सॉल्यूशन देंगे आपको. मेरे साथ हुआ था एक इंसिडेंट यहां पर, एग्जाम के पहले ये जो कॉर्नर आता है ना इसका, स्क्रीन की, कंप्यूटर की स्क्रीन का, उसमें दिया होगा यहाँ सर्चिंग के लिए, उसमें आप सारे वर्ड टाइप करके देख सकते हैं. सुमित, हो गया आपका क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा कवर हो गया, मेरा डाउट क्लियर हो गया सर. नेक्स्ट पर्सन प्लीज. राव सर, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो टेल्क का सेंटर नहीं है यहाँ पे. ओके, उसका कोई सलूशन है? मैं जवाब, आप कहाँ पे हो? कोलकाता बोला आपने? अच्छा, वहाँ पे नहीं होगा. अच्छा, तो आपको तो गोते का ही देना है फिर. ओके सर. ओके, नेक्स्ट. उसका तो देखो आप ही को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको तो सेंटर मंगाना है. ओके सर. सर, जैसे लेजन और जैसे खासकर यूरिन का जो पेपर आता है सर, तो ये क्या हम खुद से उसको स्टार्ट करके और उसी टाइम पे सबमिट करना होता है, या फिर टेल्क वाले उसको मतलब वो टेल्को वाले उसको सुनाते हैं, या फिर खुद से उसको स्टार्ट करने के लिए उसमें ऑप्शन रहता है इतने मिनट में आप स्टार्ट कर सकते हो? स्टार्ट करने के लिए वहाँ ऑप्शन आता है, और
एक दो बंदा आपके रूम में रहेगा जो बता देगा स्टार्ट करना है, और वो भी ये भी बताएगा कि कहाँ क्लिक करना है, सारी चीजें दी हुई होती है। हाँ एक साथ एक और क्वेश्चन था, जैसे श्राइबन हम कर रहे हैं और अपन मान लो कि ये टाइम अगर खत्म हो गया तो क्या हमने जो श्राइबन किया है वो ऑटोमेटिक वो सेव्ड हो जाता है या फिर हमें सेव करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है, वो एक एग्जामिनर मैम रहती है वो बताती है कि कैसे मतलब सारा सबमिट करना। नहीं जैसे कि मैंने समय नहीं देखा और वो टाइम हमारा टाइम ओवर हो गया तो क्या वो ऑटोमेटिक वो जो मैंने लिखा वो सेव हो जाएगा या फिर? नहीं ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप सबमिट होता है, कैंसिल का कोई चांस नहीं है अगर आपने लिखा है तो। ओके मतलब कि ये है कि जैसे अगर थोड़ा सा लिखा हमने, हम पूरा नहीं लिख पाए उसको, तो वो जो थोड़ा लिखा है वो तो हमारे नंबर काउंट होंगे या वो भी नहीं होंगे उसके, ये पूछना चाहते हैं। वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से देगा आपको नंबर, आपने क्या लिखा है कितना लिखा है, मतलब जो डिमांड है वो पूरी नहीं की तो शायद नंबर ना भी दे। जी 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 ये वाली बात। इसका कोई लास्ट डेट होता है कोई एग्जाम? सॉरी फिर से बोलो, पूछो। मैं पूछ रहा था सर, जैसे इसका कोई लास्ट डेट होता है कोई एग्जाम फिल करने का, या जैसे कुछ हम एक दो दिन पहले भी फिल कर सकते हैं, आपको पता होगा? बेटर यही रहेगा कि आप 10 से 15 दिन पहले ही कर दें, क्योंकि फिर जाके आपकी समस्या है उससे बेस्ट है कि पहले ही कर दें। बाकायदा व्हाट्सएप नंबर वगैरह होता है, मेरे को भी दे रखा है उन्होंने, तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ मैं, तो आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि ये पैसे जमा करा के हमको कन्फर्मेशन दो, और वो पर्टिकुलर टाइम उन्होंने डिसाइड कर दिया उससे पहले पहले दे दो, क्योंकि उनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो आपको एक 10-15 दिन पहले पैसे मंगवाएंगे ताकि अपना अरेंजमेंट। सर आपके पास नोएडा वालों का नंबर है सर क्या? नहीं नोएडा वालों का मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने बताया, पहले मैं श्योर भी नहीं था, किसी ने बोला था मुझे लेकिन मैं श्योर नहीं था क्योंकि मैं तो उनके कॉन्टेक्ट में था, अब मैं नंबर तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जिसके पास है। हाँ उसमें सर नोएडा का नंबर किसी के पास हो तो दिन। नोएडा वाले की अच्छी बात यह है कि आपको कोई झंझट नहीं करना, नंबर में मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक देंगे, लिंक से खुद ही भरना है, खुद ही सबमिट करना है, कोई टेंशन की बात नहीं, वेट ही नहीं करना किसी का, वो लिंक देते हैं, वेबसाइट देंगे आपको, उससे सारा खुद ही भर सकते हैं। ओके सर आप नोएडा का नंबर दे सकते हैं, आपने दिया होगा सर, आपको पता इन भैया ने दिया होगा? मैंने नहीं दिया, मैं सर को नंबर अवेलेबल करवा दूंगा, ये मेरे को देंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। लास्ट सर जैसे सर यस प्लीज सर जैसे हमारे एग्जाम को 1 month ही बचा है तो एक स्ट्रेटेजी प्लान बता देते अपन को, अब इस टाइम पे क्या करना इम्पोर्टेंट है? ये शायद मेरे लिए है क्वेश्चन, मेरे अच्छा आपके लिए है। ओके स्ट्रेटेजी प्लान तो आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना है, आपको जिस पर्टिकुलर मान लो कि दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक दो पेपर मैं करवा सकता हूँ, बाकी प्रिपरेशन आपको करनी है, क्योंकि हम द्वितीय के पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो दो पेपर हम लोग इसके भी कर सकते हैं। और सर वो अभी तक गोइथे की सॉल्व किए थे। हाँ जैसे मान लो आपको लग रहा है कि हमने तो गोइथे की प्रिपरेशन कर ली अब क्या होगा, अगर वास्तव में तुमने गोइथे की प्रिपरेशन कर ही ली है तो यहाँ तो टेंशन है ही नहीं, इसके फॉर्मेट जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको तो उसका केवल टाइम मैनेजमेंट और फॉर्मेट समझना है, ग्रामर अच्छी आती है तो उसको कर ही पाओगे, आपको लगता है कि नहीं ये एक्सप्रेशन का तो इसमें मामला थोड़ा अलग है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सोचना है आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम देना है, ठीक है ना? और जब तक लास्ट इससे तक आते हैं आप और फिर सोचते हैं कि मतलब सामने वाले ने कैसी तैयारी की मैं भी वैसे करूं, तो वो सबसे गलत बात है, जब इतने टाइम से आप एक ही चीज करते आ रहे तो वही बेस्ट है, लास्ट में आके आप फिर इधर उधर का करोगे तो काम की बात नहीं रहेगी, अब मैंने कुछ भी बता दिया और फिर आप उसी फॉर्मेट को अपनाना चाहेंगे तो वो फिर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस के ख्याल से अभी आपने जो बोला राहुल ने भी बोला कि 20-40 पेपर ऑडियो वाले और वो नेट से ले लो उसको सॉल्व करो। हाँ जब B1 तक का मटेरियल आपके हाथ में होगा तो मे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास कुछ इस तरह का है ऑडियो का कोई पर्टिकुलर किसी बुक का एक जगह ऑडियो मिल जाए
जैसे ही अपन यूट्यूब पे डालेंगे टेल क्योरन तो एक साथ ही दिखेंगे आप। नहीं लेकिन उसके लिए फिर इसके लिए सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी तुरंत। सॉफ्ट कॉपी जैसे बुक है हमारे पास उसका ऑडियो नहीं है सपोज, तो वो तो गूगल में कैसे यूट्यूब में कैसे ढूंढेंगे, देख के बताना पड़ेगा ना। आप मैं तो वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि हमने पेपर मंगाया तो उसमें शायद दो चार पेपर ही हैं। सर सच बात बताऊं तो वो ये है कि आप जब ह्योरन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और B1 तक का मामला आपको समझ में आ रहा है ना, तो उसमें ह्योरन में अलग से कुछ नहीं करना है। आपने ह्योरन की आज तक जो प्रैक्टिस कर ली उसमें जो लाइन दी हुई होगी कि मैं आपका दोस्त बाजार जाना चाहता है, ठीक है सपोज एक लाइन आई है, तो वो चीज उसने पढ़ी नहीं, तो आपको पता यही करना है कि वो चीज जो दी गई है लाइन वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, गलत है कि सही है। और गिरोते का ह्योरन करो, रिश्का ह्योरन करो, इसमें तो कोई बात अलग से दिखी नहीं रही, इसमें कोई ये तो है नहीं कि अलग से कुछ और ही आ जाएगा। ह्योरन में यही तो चीज है कि आपको देख के बताना कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, और आज तक प्रैक्टिस की होगी तो शायद आपको समझ आता ही होगा कि वो लाइन बोली या नहीं बोली। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है आप अगर ग्योते की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 पॉइंट्स आपको खास तौर पे इसमें देख लेने चाहिए। एक वो जो ग्रामर वाला पार्ट है, कहीं आप ढीले हो ग्रामर में तो उसको अच्छे से कर लो, एक पॉइंट ये। दूसरा ये पॉइंट कि जो लिखने की कंप्यूटर पे लिखने की जो प्रैक्टिस है इसमें थोड़ी अलग है, उसको आप अच्छे से कर लो। और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा अलग वो स्पोकन वाले में, क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी तो आप ऑलरेडी जो कर रहे हो वो ही आएगा। कोई पैटर्न प्रैक्टिस कर रखे तो आ जाएगा, नहीं कर रखे तो बार बार देते रहोगे। ये है मेरे ख्याल से, यही है। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, ओके सर मार्क्स का वेटेज कैसे होता है इसमें, हर एक के अंदर एक नंबर के आते हैं ये क्या मतलब किस तरह से होता है? तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ रहता है। यस मिनट्स लिखे हैं सर उसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, प्लीज बोलिए सर। जैसे टेल्क में जैसे 3 राउंड हमने पास कर लिया, तो एस्पिरेशन में जैसे हम फेल कर गए तो फिर से हमें 4 राउंड वापस से देने पड़ेंगे? एक ही देना पड़ेगा एस्पिरेशन। अच्छा ओनली एस्पिरेशन का, वो तीनों एक साथ पास करने हैं और एस्पिरेशन अकेला पास करना है। अगर वो फेल हो गए तो तीनों देने हैं और एस्पिरेशन में फेल हो गए तो एस्पिरेशन देना है। इसमें मार्क्स का इसमें तो दिखा नहीं रखा, लेकिन वो फॉर्मेट तो आपको अलग से ही शेयर करना पड़ेगा, जैसे कौन सी क्वेश्चन के कितने मार्क्स है उस तरीके से। ऊपर के जो 10 क्वेश्चन है जो 5 पैराग्राफ के आते हैं और एक जो बड़ा पैराग्राफ आता है उसके मतलब 3 में से 1 सिलेक्ट करना होता है, वो 10 क्वेश्चन जो है वो है 5-5 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आता है आंसर के, हाँ वो 2.5-2.5 नंबर के हैं, और बाद में आते हैं ग्रामर के 2 पार्ट वो 1.5-1.5 नंबर के हैं, ठीक है सर। और ह्योरन वाले भी वही सेम पैटर्न वही रहेगा सब? ह्योरन में ऊपर के 5 क्वेश्चन और लास्ट के 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, और बीच के जो है 10 वो 2.5-2.5 नंबर के, ठीक है सर। थैंक यू। मेरी क्लास ऑनलाइन मिल जाएगी? मैं एक्चुअली शुरू से ज्वाइन नहीं कर पाई थी। हाँ मिल जाएगी, थैंक यू सर। ये भी मिल जाएगी, और भी अपन जो भी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनको बीच बीच में बुलाते हैं और फिर बुलाएंगे, और जैसे ही आप पास हो जाओगे तो आप भी आना, आपको भी बुलाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? लास्ट क्वेश्चन, इनको मैंने 1 बजे तक का बोला था। ओके पूछो सर। सर मैं पूछ रहा था जैसे आप कोई बुक्स बता देंगे भैया, जैसे कोई मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह की बुक्स हम प्रिपरेशन कर लें, उससे PDF मिल जाए कोई आपकी तरफ से हमें बुक की, आपके पास कुछ हो तो बता सकते हो। एक तो मेरे को और मिली है अभी, वो मैं शेयर कर दूंगा, अमित ने भेज दिया मुझे एक तो, और कोई इस तरह का कोई शॉर्ट नोट हो तो आप शेयर करिएगा। यस रूही सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि लेजन के लिए मुझे टिप बताएं कि लेजन में टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, टाइम शॉर्ट होता है, तो वो लाइक पहले अवकाबे पढ़ लें आप, फिर उसके बाद उस टेक्स्ट में उसका आंसर ढूंढें, ये आपकी क्या टिप होगी इसके लिए? पहली बात तो कोई टिप नहीं होती, प्रैक्टिस होती है मेन, और दूसरी बात ये है कि आप जब लेजन स्टार्ट करते हैं तो ऊपर के जो 10 पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए 1 टाइम रीडिंग है, और फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब 2 मिलते जुलते दिखते हैं उसमें, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है,
तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये वाला यहाँ मैच कर रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ चीजें दी हुई होगी। तो वन टाइम सबसे पहले क्वेश्चन ही आप देख लेना एक बार, कोई बेटर रहेगा, क्यों आप जब पैराग्राफ रीड करेंगे तो उसमें हेल्प होगी आप। और बाज़ुकात ऐसा होता है कि दो आंसर जो है ना बहुत क्लोजली मैच कर रहे होते हैं, तो उसके उसको लिए कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? सॉर्ट आउट यही है कि उसमें वास्तविक बात है कि नहीं है वो देखनी पड़ेगी आप, कि हाँ यही बात उसमें कही गई है। एक्चुअली आपको समझ आएगा तो आप उसको कर पाएंगे और फिर बुलाएंगे अपन एक्सपर्ट्स को। थैंक यू सो मच आप लोगों का इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इस तरह से तो बार-बार होना चाहिए। सर ये बहुत फ्रूटफुल था और ये लिए हमने बहुत सीखा, हमने सब कुछ नोट भी किया आपकी टिप्स, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत हेल्प किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देवेंद्र, थैंक यू राहुल, थैंक यू सर। सर